हेलो क्लास एट, आज हम लेसन वन के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी विश फॉर अनादर चांस. हम एक दूसरे अवसर की तलाश में क्यों रहते हैं, क्यों इच्छा करते हैं हम कि हमको एक दूसरा मौका मिले जिससे कि हम अपनी असफलता को सफलता में बदल सकें. तो इसका हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो इस क्वेश्चन में ही देखिए आधे से ज़्यादा लिखा हुआ है. वाई तो क्वेश्चन वर्ड है, इसको तो हमें नहीं लिखना है. ठीक, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे वी से. तो हमारा आंसर स्टार्ट होगा वी विश फॉर अनादर चांस टू चेंज आर फेलियर इनटू विनिंग. हमारी फेलियर को, असफलता को हमें काय में बदलना है, विनिंग में, जीत में. इसलिए हम वी विश फॉर अनादर चांस टू चेंज आर फेलियर इंटू विनिंग. बस आपको इतना ऐसा ही ऐड करना है. राइट, नाउ द सेकेंड वन इज व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट. व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट. यदि हमें नई शुरुआत करनी है तो इसके लिए किस चीज की आवश्यकता होती है. हमने सेकेंड स्टैंजा में पढ़ा था कि ना तो एक पूरे दिन की शुरुआत, एक नए दिन चाहिए हमको, और हमें केवल एक तीव्र इच्छा शक्ति चाहिए, एक नया, एक माइंड की एक ऐसी स्टेट चाहिए जहाँ से हम पूरी अपने स्ट्रेंथ के साथ हम अपनी असफलता को सफलता में बदलने के प्रयास के लिए शुरू कर सकें काम. तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन है व्हाट डज इट टेक टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट. तो हम इट से स्टार्ट करेंगे. इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर. इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर, गहरी इच्छा शक्ति. राइट, थर्ड आंसर क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड. एडिंग अ लिटिल सनशाइन ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसको और खूबसूरत बनाना, उसको और सुंदर बनाना. और पोएट का क्या मतलब है इस पोएम में, पोएट क्या चाहती है, पोएटिस क्या चाहती है हमसे कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड. मीन्स हम अपनी लाइफ को और कैसे बेटर बना सकते हैं, और इस दुनिया में हम कुछ बन के कैसे हम इस दुनिया में कुछ बन के बता सकते हैं. तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कि द पोएट मीन्स, ये तो लिखने की जरूरत नहीं है इसमें हमको कि बाय एडिंग लिटिल, ये इस क्वेश्चन में है. हम लिखेंगे द पोएट मीन्स टू मेक आर लाइफ बेटर. ठीक है ना, हमारी लाइफ को पोएट चाहती है कि हम अपनी लाइफ को कैसे बनाएं, बेटर बनाएं. सो द पोएट मीन्स टू मेक आर लाइफ बेटर एंड बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड. ठीक है, कुछ बनने के लिए. नाउ द फोर्थ वन इज व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर. डिस्पेयर वर्ड का पता है सबको मीनिंग, निराशा. हमें कभी भी गिव अप क्यों नहीं करना चाहिए, निराशा में क्यों नहीं हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तो हम इसको भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे वी शुड. वाई क्वेश्चन वर्ड है, इसको हटा देंगे. हम लिखेंगे वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर. ये तो क्वेश्चन में से लिखेंगे वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर एज देर इज ऑलवेज अ टुमारो टू स्टार्ट अ न्यू. एक नई शुरुआत के लिए हमेशा हमारे पास एक अगला दिन, एक फ्रेश शुरुआत करने के लिए हमें एक नया दिन हमेशा हमारे पास होता है. इसलिए हमें कभी भी निराशा में कोई भी काम को नहीं छोड़ देना चाहिए. लास्ट वन इज व्हाट शुड वी होप फॉर आवर फ्यूचर. हमें अपने फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए कैसी आशा रखनी चाहिए. तो कैसी आशा रखना चाहिए हमको, हमेशा हम विनिंग मोड में रहें. वी शुड होप फॉर स्टार्टिंग न्यू. हमेशा हम एक नई शुरुआत करते रहें और हम अपने फ्यूचर में हम हमेशा जीत हासिल करते रहें. और आज का जो हमारा ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, हमारा जो प्रेजेंट सिनेरियो है, इसमें अचानक से जो इस COVID-19 की प्रॉब्लम शुरू हुई तो इसमें भी हमने हार नहीं मानी है. जिस तरह से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में हमारा कोर्स कंप्लीट करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हो चुके हैं. ये पोम बहुत अच्छा उस चीज़ को रिलेट करती है, उस चीज़ से कि अभी भी हमने क्या करा है, हमने हार नहीं मान के हमने नए तरीके से, या जो तरीका हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी हम इस तरह से पढ़ेंगे, हमने हमारी पढ़ाई जारी रखी हुई है. सो आप लोग ये क्वेश्चन के आंसर्स नोट करिएगा नोटबुक में. ठीक है.